है यहीं कहीं, लाइफ का एक फेज है, वो भी मदरहुड एंजॉय कर रही है, उसको करने दो, वो आएगी वापस थोड़े दिन में, आई एम श्योर वो अभी उसका उसका एक अच्छा लाइफ का फेज चल रहा है ना, हम लोग उसको अच्छी एनर्जी भेज रहे हैं कि फटाफट वो आए अपना, वो भी खुश रहे, वो अपना वहाँ एंजॉय करे, एंड ऑफ कोर्स मिस करते हैं, मिस तो करते हैं क्योंकि उसके बहुत कीड़े होते थे, बहुत बहुत नौटंकी थी, साइलेंट कीड़े होते थे कभी कभी, नहीं मतलब उसकी मतलब बताना मुश्किल है, पर फ्रैंक वगैरह ऐसा कुछ नहीं, लेकिन सिचुएशनल होते थे, उसके बॉडी लैंग्वेज, उसके मैनरिज्म्स, वो इतना फनी या कुछ उसका एक चलता रहता था, उसको उसको डांटना होता है ना तो भी उसका वो इतना क्यूट डांटना है ना, मतलब टॉन मार के किसी को, हाँ मतलब किसी को पता नहीं चले सामने वाले को कि इसको गुस्सा आया है, उसका क्यूट वाला एक जो होता है ना वो, मैं तो मतलब तो 5 साल उसके साथ वैनिट भी रही हूँ, तो उसका मुझे लगता था यार इसके जैसे मैं 5% भी बन जाऊँ तो लिटरली मैं किधर निकल जाऊँगी, मतलब शी वाज सो कोऑपरेटिव, कोई भी फैन आए वो उठ के जाती ही थी, कितना भी थकी हो वो सबसे ज़्यादा सबसे पहले आती थी, सबसे लास्ट में जाती थी, लेकिन वो उठ के बाहर फैन को ग्रीट करने जाती थी, और यू नो हमेशा जैसे कि नहीं तुम बैठ जाओ मिरर के सामने या कुछ भी खाना ऑफर करना, हर चीज़ में मतलब कोऑपरेशन, बहुत एडजस्टिंग, मतलब मुझे लगता था कि नहीं आप दो बिस्तर जैसे हैं तो नेहा अंजलि और वो और मैं, हम तीन तो नहीं, तू लेट जा करके वो बैठती थी, मतलब वो हर चीज़ में ना अपने सेक्रीफाइस करना, कोऑपरेशन करना, दैट वाज द बेस्ट थिंग उसमें था, और भी उसके जो मस्ती चालू रहती थी, उसका एक टाइम पे तो बहुत फोटोग्राफी का मूड रहता था, तो पूरे टाइम मेरा मोबाइल लेके मुझे खड़े करके आधा आधा घंटा वो फोटो खींचती थी, मैं थक जाती थी कि बस दिशा मुझसे नहीं होगा, ऐसा ऐसा नहीं ये ठीक नहीं आया ऐसे करके ना बहुत सारे फोटोज़ लेती थी, कुछ अलग अलग उसका था, बहुत मस्ती, मतलब जो उसका धीरे से सटली एक छोटा सा एक कॉमेडी करती थी, और फिर वो एकदम पोकर फेस बना के मुझे, हाँ उसका मेन बहुत सबको याद होगा, उसके पास फ़ोन कॉल आते थे दिन में, आई थिंक 50 फ़ोन कॉल आते होंगे उसको अनोनमस, एंड गॉश वो जिस तरीके से हैंडल करती थी, आई डोंट आई कांट इमेजिन कैसे पेशेंस होगा यार किसी को लाइफ में इतना, वो फ़ोन कॉल जिस तरीके से मैनेज करती थी, मतलब हाँ ये अम्मू बताएगी कैसे वो करती, नहीं है आप कौन ऐसा बात करते उसका रोज, मतलब हम हुए तो एक बार बोलते अरे क्या यार फोन मत करो ऐसे, वो हर एक फोन कॉल कर ऐसे आवाज बदल के ही करती थी, मतलब यार दिशा तेरे को कैसे इतना पेशेंस है यार, मतलब माइंड ब्लोइंग, शी इज सुपर, यू नो हार्ट ऑफ गोल्ड, बहुत मिस करते हैं, लेकिन हम लोग उसके लिए बहुत खुश भी हैं कि जो अभी वो एंजॉय कर रही है अपना पर्सनल लाइफ, तो वो भी बहुत जरूरी है एक साइड से, तो लेकिन हम लोग मिस करते हैं डेफिनेटली।